अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं थोड़ा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी और तुसी देख रहे हो रंजीत निगारा। व्हाट्स द रंजीत निगारा? रंजीत निगारा इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटिका सिटी कैलिफोर्निया स्टेट USA और साड़ी टीम नू लीड कर रहे हैं पूरी नू ओ सतप्रीत सिंह, सरदार सतप्रीत सिंह जी। हाँ जी, USA बेस्ड ने जिन्हों ने रंजीत निगारा जी है ऑर्गेनाइजेशन जी है वो क्रिएट की है और सेवा निभा रहे हैं गुरुद्वारा श्री पहली पातशाही चवा बाबा गुरु नानक साहिब। यह पहली सेवा पहली है, इस तो बाद होर भी सेवावान होनिया ने, लेकिन पहली पातशाही का गुरुद्वारा है तो पूजन योग है सब तो ज़्यादा, तो इस वास्ते इतने दिन सेवावान जड़िया सी सब तो पहले जरूरी सन। तो असी तो गाए बगाए जड़े ने गुरद्वारा श्री पहली पातशाही तो अपडेट्स जड़िया ने वो देंदे रहने हाँ कि गुरद्वारा साहिब की चल रहा। तो असी अज के दिन असी बहुत कुछ दिखाना है। तो स्टेट विच यू रंजीत निगारा और असी गल करते हैं अपनी चीफ आर्कीटेक्ट रुबाब फातमा चिश्ती जी दे नाल और सानू दसणगे कि असी जितों काम शुरू किया कितने तक पहुँचे सी और असी अगे करन की करन लई जा रहे हैं। ठीक है जी, तो असी लास्ट टाइम तुहानू मटीरियल दे मुतलक दस्या सी और कुछ चीज़ा असी तुहानू इंप्लीमेंट करके दिखाइया सी कि उन्हां दे कलर किस तरह निकलणगे, स्टूको वर्क होएगा तो वह किदां दा निकलेगा, कलर कॉम्बीनेशन किस तरह बनता है, कच चूना गेरी तो अलावा किन्ने मटीरियल जड़े ने जी फाइन लाइन लाइन और पता नहीं लंबी लिस्ट है। तो अगे असी गल करते हाँ रुबाब फातमा चिश्ती जी दे नाल, वह दसणगे जी। रुबाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम रुबाब फातिमा चिश्ती है एंड आई एम लीडिंग द प्रोजेक्ट गुरुद्वारा चवा साहिब। आप लोगों के साथ आई थिंक हम हर महीने या डेढ़ महीने बाद एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको एक फेस समझ आता है ऑफ द प्रोजेक्ट। इनिशियली पहले आप लोगों ने सारा सफाई का प्रोसेस देखा, फिर आप लोगों ने हमारी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस देखा, फिर आपने हमारी मटीरियल सैम्पलिंग का प्रोसेस देखा जिसमें हमने सैम्पल्स बनाए, बिल्डिंग के सैम्पल्स लिए, उनको टेस्ट करवाया एंड इवेंचुअली वी गॉट द रिजल्ट। आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट जो कि 80-85% तक मैच करता है क्योंकि बाकी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ विद टाइम आती हैं और कुछ जो हैं बिल्डिंग के पुराने होने की वजह से वो उसमें फैक्ट्स आ जाते हैं, फैक्टर्स आ जाते हैं। वो सारा कुछ करने के बाद वी स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट द बिल्डिंग मटीरियल टू द बिल्डिंग। उसके लिए आप लोगों ने हमारी मटीरियल की सारी पीछे प्रोसेसिंग का इलाका देखा था। लास्ट टाइम वी विजिटेड द होजी एज वेल, मटीरियल देखा, ईंटें देखी, उनकी मेकिंग देखी, सैम्पलिंग देखी, ये सारा कुछ किया। आज हम आपको दिखाएंगे, और पिछली वीडियो में आपने दो डिटेलें बनती हुई देखी थी, एक दियादान की और एक जग की। टुडेज वीडियो इज़ अबाउट कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया, बाकी इम्प्लीमेंटेशन में हमने क्या किया और हमारा तरीका कार क्या है इम्प्लीमेंट करने का पुरानी बिल्डिंग पे मटेरियल को। उसके लिए हम आपको अपनी होजीज दिखाएंगे जहाँ पे हम मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और तरीका कार दिखाएंगे, वो टूल्स दिखाएंगे जिनके साथ हम उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन द बिल्डिंग। जी आर्किटेक्ट साहब ने दसा कि असी साडा नैक्सट चलते हाँ अगे और तुहानू असी दिखाने असी की करें। प्यारी संगत जी, असी पहुँच गए जिथे साडा मटीरियल तैयार होकर पहुँच रहा फाइनली। तुहानू असी दिखाया सी पिछे साडी एक पूरी तीन स्टैप वाली डिक्की बनी हुई है जिद असी पूरा मटीरियल तैयार किया है। हूँ उस तो बाद असी बिल्कुल फ्रंट ऑफ बिल्डिंग के उत्ते एक पैच तैयार किया जिद असी मटीरियल लिया के 24 आवर्स तक जोड़ा वो ओपन एयर पिया रहा, फुल सनशाइन दे पिया रहा, वो कहें कि टाइम है वह पीरियड है वो सैटल होने का। तो असी गल करते हैं साढ़े नाल फील्ड सुपरवाइजर जोड़े ने रंजीत निगारा के, वो मौजूद ने, उन्होंने असी गल करने हैं जी। इश्तियाक भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले तो आपको दिखाया था लास्ट टाइम भी कि हमने वो पीछे बनाते हैं मटेरियल वगैरह, तो वहाँ से होजी मतलब लाना है काफ़ी मुश्किल भी है, दूर भी पड़ती है आपको। हाँ। क्योंकि करीब तर बना नहीं सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे एक टेम्परेरी टाइप बनाया हमने इसको, वहाँ से ला के हम लोग यहाँ इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और ये 24 घंटे तक मतलब यहाँ पड़ा रहता है, अपनी सेटलमेंट जो इसने करनी है वो इसकी हो जाती है, उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको ले जाके अंदर जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं इसको। अच्छा, देखने को चेंज लगता है जिवें कि गहरा। जी जी, वो तो फिर ऑर्गेनिक मटीरियल है, नेचुरल मटीरियल है, तो मतलब बंदा भी मिट्टी के नाल ही है, तो तुम बेहतर जानते हो कि कलर कंपोजिशन मतलब इंदी उंज दी है, लाइक ये आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल जी। अब बेसिकली एक रीज़न जो होती है ना, आप तो रेस्टोरेशन बिल्डिंग के सामने कुछ नहीं कर सकते, ये आपने सिर्फ ईंटें रखी हैं, ठीक है, जुड़ी भी नहीं है। उसकी वजह ये है हमें मटेरियल की क्वांटिटी चाहिए तकरीबन इस होजी जितनी बिफोर स्टार्टिंग द रूफ, जब हमने छत पे जाना है।
अब छत की पीएलसी में कोई जोड़ नहीं आता, वो बगैर जोड़ के एक पॉइंट से शुरू किया एंड तक हमने बगैर जोड़ के जाना है, जोड़ डाल दिया तो वहाँ पे सीपेज का खतरा। ठीक है, वन ऑफ द रीजंस हमें ये करना पड़ता है ऑन एवरी साइट, हम एरिया देखते हैं उस हिसाब से मटेरियल देखते हैं, एक खाला बनाते हैं उसमें मटेरियल डंप कर देते हैं, और फिर अब ये छत पे आई थिंक 3 दिन के बाद लगना शुरू होगा क्योंकि तब हमारे पास इतना मटेरियल आएगा कि क्या कहेंगे उसे। फ्लैट डोम कॉन्सेप्ट है, फ्लैट डोम तो फर्क है ना, ये पीएलसी है, प्लेन लाइम कॉन्क्रीट, पूरी छत। एक तो फ्लैट डोम वाला एरिया है ना, वो तो हमने उसको री लाइक आप कह लें रिकंस्ट्रक्ट तो नहीं बट रीअसेंबल किया है उसको, उसके बाद वो हो गया, वो हो गया उसकी कंप्लीट लाइक उतरने की और वापस लगने की डॉक्यूमेंटेशन सारी हुई है टू गेट द चाल राइट। अब हाँ जी इंशाल्लाह अभी इमरान साहब वगैरह को भी दिखाया। अभी ये जो सारी चीज़ है ये मटेरियल तैयार होके एक ही बार छत पे जाना है यहाँ से स्कैफोल्डिंग के थ्रू पूरा, और एक ही बार ये इम्प्लीमेंट होना है पूरी छत पे। बेसिकली ये 30x40 के हिसाब से मटेरियल बन रहा है इसीलिए इतना बड़ा। चलते हैं जी अंदर तो दिखाने हैं कि किस तरीके ने इंप्लीमेंटेशन हो रही है सारे मटेरियल। जी अस्सलाम वालेकुम, अब हम अंदर हैं गुरुद्वारे के और अब हम आपको दिखाएंगे इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हम करते हैं। पहला स्टेप जो आप करते हैं ना, ये आप कील देख रहे हैं और इससे सूत्र देख रहे हैं, ये हमने दीवार के बुनिए निकाले हैं सूत्र लगा के कि दीवार कितनी सीधी है। अगर यहाँ से मुझे फ़र्क कील 1.5 इंच पर लगा हुआ है तो वहाँ शायद हमें 0.5 इंच की जगह चाहिए प्लास्टर के लिए। इस सारे को सीधा करने के लिए आपका पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, आपने हर एक दीवार को एक पैनल को अलग से ट्रीट करना है, तो उसके लिए आप फिर इस तरह से ठीए, इनको कहते हैं पंजाबी में ठीए लगाते हैं आप। अब ठीए भी हमने पुराने मटेरियल के साथ ही लगाए हैं, ये सीमेंट से यूजुअली लगते होते हैं कि हम जो है बिल्डिंग ना डैमेज करें, मर्ज इवेंचुअली हो जाता है ना। मार्बल की प्लेट आप उतार देते हैं ऊपर से, वो जो मार्बल लगा हुआ है बाकी आप उसको मर्ज कर देते हैं विद इन द साइड। तीसरा स्टेप जो आप करते हैं, आपने अब दीवार को आपने नीचे प्लास्टिक देख रहे हैं, इसकी एक वजह हाँ जी ताकि हम नीचे फ्लोर को प्रोटेक्ट करें, और इसमें अब ये है कि आपने दीवार को पानी देना शुरू करना है। अभी आप देख रहे हैं ना दीवार ठंडी हुई है और दीवार खुद एक पॉइंट पे कहती है कि अब पानी रिसना बंद कर देते हैं ना। पुरानी बिल्डिंग है तो इसने 3 दिन पानी लिया, 3 से 4 दिन, ऊपर के फ्लोर ज़्यादा लिए पानी। आपने अब पानी से भिगो दिया, अब ये तैयार है प्लस्टर के लिए। ठीक है, अब इस पर प्लस्तर होना शुरू होगा। अब अगली जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि आप इसका डिस्टेंस देखते हैं ना तो वो तकरीबन बनता है 5 इंच। ठीक है, उसका डिस्टेंस देखेंगे वो कोई है 4.25 इंच, इसका डिस्टेंस देखेंगे वो उससे कोई 2-3 सूत्र कम है। मैयर करके इन्हों देख सकते हो कि इन्ना फर्क है, लेकिन अगर तुम अख नाल देखोगे तो तुम्हें अंदाजा नहीं होगा कि इन्हें 1 इंच का 1.5 इंच का फर्क है। लेकिन जी बिल्कुल, पुराने उस्ताद जो उन्होंने एक तरीका से कि वह करते ही जरा अख की एक नज़र के नाल काम करते ते ऐ वजह भी आ, लेकिन असी जिहड़ा उहनू मतलब एज़ पर ड्राइंग जो इन्होंने ड्राइंग आर्किटेक्ट साहिबा ने सानू दित्तियां ने असी ते उहदे मुताबिक एक्चुअल करना है उहनू, ते सानू इस लिए थोड़ी जिही इहदी मतलब थोड़ी जिही एडजस्टमेंट इहदे विच करनी पै रही है। इस वजह तो जे रहना सी अब क्योंकि दौर बदल गया ना, अब हमारा काम कोई आता है मॉनिटर करने के लिए तो उसने तो मेजरिंग टेप ही यूज़ करनी है, लेज़र यूज़ करनी है मेजरिंग टेप, तो हम कोई लूप होल छोड़ना ही नहीं चाह रहे। अब इसकी जो सब मतलब द अदर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ हम ड्राइंग्स किस तरह से बनाते हैं, इसकी लाइव ड्राइंग्स हो रही है, मैंने आपको उस दिन भी एक लाइव ड्राइंग का बताया था। इधर पूरी ड्रेसिंग शीट लगी है, ये आर्च आपने ड्रॉ की है, आपने वो आर्च का फर्मा है, ये दूसरा वाला है, वैसे ये फर्मे का अंदर वाला हिस्सा है। आपने ये चारों आर्चेस ड्रॉ किए हैं, आपने ट्रेसिंग पेपर ऊपर नीचे रखे हैं, और उसके बाद आपने जो फाइनल उसमें से आप देखेंगे अच्छा जो कम अज़ कम फ़र्क है ना वो 4 सूत्र है 5 सूत्र, आपने उससे फिर इस तरह से ये आगे लेके आना फरमा। एक सेकंड, आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। हाँ ले आओ ना, मुझे मेजरमेंट्स वाली साइड दिखा दो। अब हमने क्या किया है, हमने इस आर्च की उन ट्रेसिंग शीट्स की बेस पे आइडियल ज्योमेट्री निकाली, उसमें आपने आर्च को ज़मीन पे गीला हो जाए। अब उस आर्च को हमने डिवाइड किया है 3-3 इंच के हिसाब से, आपने हाफ कॉलम ले लिया इसका, हाफ ले लिया बेस क्योंकि आइडियल आर्च बनानी है ना, अब आपने उन चार की बेस पे
उसको मिरर करेंगे ताकि सिमेट्री रहे। ये इस वाली आर्च की है, एक ज्योमेट्री पे लगी है ना, ये सारी एक ज्योमेट्री पे, और इनका साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो बेसिकली हम एक ज्योमेट्री जो हम लोग निकालेंगे वही इन सब पे, आप जैसे घूम के वापस इस जगह पे आएंगे वो सारों पे इम्प्लीमेंट वही होगी इसकी ज्योमेट्री। जब आप मेजर कर रहे हैं ना तो उसकी हर एक आर्च मोर और लेस सेम। हाँ जी ठीक। अब ये जो आपके पास फाइनल मेजरमेंट आती है ना, ये आती है ओवरलैप करके सारी ड्रॉइंग को जो आप साइड पे बनाते हैं, फिर वो आपको बताती है हाँ इतना मार्जिन जो है ना दो दो सूत्रों का, वो तुम करती हो तो तुम्हारे पास मैक्सिमम प्लास्टर मार्जिन आ जाता है, जिससे ये सारी सिमेट्रिकल हो जाती है। इसको आप डिवाइड करते हैं, इनको कहते हैं बखरे हिस्से जो उसके होते हैं 10 में, दस हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया 3-3 इंच के हिसाब से, और इवेंचुअली हमारे पास ये कार्च निकली है। इसका फर्मा तैयार होता है, एक हम रखते हैं फर्मा आइडियल फर्मे के तौर पर, मतलब आप आते हैं कोई आता है उसको दिखाने के लिए, बाकी फर्मे लकड़ी के तैयार होते हैं और वो आर्चों के नीचे okay. फिर उस पे प्लास्टर, ताकि आपने सूत्र का मार्जिन भी नहीं छोड़ना गलती। अच्छा, इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है हमें वो भी दिखा। अब हम आगे मूव करेंगे तो हमें इम्प्लीमेंटेशन समझ आ जाएगा। अब करो, शुरू करो काम, इधर से जाएं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा विद टूल्स दिखा दूंगी कि मटेरियल किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके ऊपर आर्च लगा के दिखा दो, आपको इस साइड पे आना पड़ेगा, ये वाली वॉल दिखानी है। ये जरा आप साइड पे होंगे। हाँ जी। अच्छा, अब ये अगर आप आर्च देख रहे हैं तो आपको पीछे एक प्लास्टर नजर आ रहा है जो कि रफ है, जो कि चिजल्ड है सारा, ठीक है। उसके ऊपर आपको एक ठिया नजर आ रहा है, ये साइड के जो दो ठिए हैं मार्बल वाले, इस लेवल पे आपने पूरा दूसरा प्लास्टर करना है, ये फाइनल लेवल है आर्च। तो ये प्लास्टर भी जो है ना ये 3 हिस्सों में दीवार पे लगा, क्योंकि मोटाई 1.25 इंच के बराबर। उसके बाद अब ये ठिए निकालेगा, ऊपर वो फर्मा लगेगा जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जो इस साइड पे लगा हुआ है, वो आप एक सेकंड देख सकते हैं। ये आइडियल फर्मा है जो पूरे के पूरे ग्राउंड फ्लोर पे इम्प्लीमेंट होना है। अब इसके नीचे से पूरी उसकी ज्योमेट्री निकलेगी, और फिर यहाँ पे हर एक आर्च इस आइडियल फर्मे के हिसाब से एक जितनी हमारा जो अगर आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है आर्च का अंदर वाला हिस्सा, ये हम लोग प्लास्टर जो है इस फर्मे के साथ करेंगे जो हमने ये लाइव ड्राइंग करके निकाला है। तो इसको हमने इसलिए छोड़ा है अभी कि ये प्लेन प्लास्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है हम लोग फिर ये इस फर्मे की मदद से ये वाला अंदर वाला हिस्सा इसको करके ये वाला पैनल हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जी। अब इसके लिए 5-6 किस्म की व्हाट डू यू कॉल इट स्क्रैपर गरमाले सॉरी इसके लिए 5 किस्म के गरमाले इस्तेमाल हो रहे हैं। पीछे वाला फर्क है, जिसने इसको चिजल करना है वो अलग है, इसके बाद जो बेसिक टिपिकल गरमाला होता है प्लास्टर का वो है, उसके बाद जो रगड़ाई करनी है ना, एक तो वो सॉलिड वुड वाले हैं गरमाले और दूसरे वो लोहे वाले हैं, दो ही गरमाले इस्तेमाल हो रहे हैं, उससे रगड़ाई है। ये प्रोसेस पूरा हम आपको डॉक्यूमेंट करके दिखाएंगे कि किस तरह से इसका सारा आप प्लास्टर करते हैं और इसकी ज्योमेट्री निकालते हैं एक्यूरेट विद द हेल्प ऑफ फर्मा एंड लाइव ड्रॉइंग्स। अब हम आगे मूव करेंगे।